देश बढ़ रही बेतहाशा महंगाई से आमजन काफी त्रस्त है। दिन प्रतिदिन रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती महंगाई के मामले को लेकर अशोकनगर में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। साथ ही एक रैली अस्पताल चौराहे से कलेक्ट्रेट तक निकाली और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग राज्यपाल से की है। बढ़ती महंगाई के मामले को लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। साथ ही एक रैली अस्पताल चौराहे से कलेक्ट्रेट तक निकाली और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में सिलेंडर और नारे लिखी तख्तियां लेकर रैली में शामिल हुए। वहीं इस प्रदर्शन में भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। देश और प्रदेश में बढ़ती जा रही महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दामों में केंद्र सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन जो बढ़ोतरी की जा रही है, उसके विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा आज ये प्रदर्शन और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। आपने क्या कुछ मांग रखी सरकार? हमने राज्यपाल जी से मांग की है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की जो दाम बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाए। सीमेंट, सरिया और अन्य खाद्य पदार्थ चीज़ें जो जिनमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी की जा रही है उनको कम करने का प्रयास किया। अशोकनगर से सुशील कुशवाहा की रिपोर्ट।